वीडियो की स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। मैंने अपने गांव का नाम भी बताया है, जिला बताया, फिर तहसील बताई, और गांव का नाम मैंने अलग जगह बताया है। वीडियो पूरा देखोगे तो पता चलेगा, आपकी मर्जी, आपको वीडियो पूरा देखना या नहीं देखना। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी? आयो आप सब ठीक होंगे। तो मैं लेकर आया सभी के लिए एक और नया व्लॉग। तो हमने उठ उठा के चाय वाय तो पी ली, और ये देखो प्रियांशु उठते रोने लग गया। तो मैं इसे पीछे लेकर आई हूँ, इसके भैंस दिखा रही हूँ, भैंस की पार्टी दिखा रही हूँ, रचका दिखा रही हूँ। जब तो चुप हो रहा है, वापस रूम में ले जाता है, फिर रोने लग गया। बच्चों की तरह हरकतें करनी पड़ रही है मुझे भी इसको रखने के लिए, शैतान को सुबह सुबह परेशान करने लग गया ये। अभी सारा दिन है और ये शैतान आपके लिए बोल रही हूँ, क्या देख रहे हो? शैतानी करने में नंबर हो ना आप, इसलिए ये देखो गाइस, जिसको देख रहा है जब तो चुप हो जाता है, वापस से रोने लग जाता है। अगर इसे कुछ ना दिखाओ ना तो वापस रोने लग जाता है। ये देखो इधर आए तो बछड़े को देखने लग गया, देखो इधर भैंस को देख रहा है, मगर इसे कुछ ना कुछ हो नहीं चाहिए इसके लिए, देखने के लिए है ना शैतान। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो आपको व्लॉग में चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह चिड़िया बोलती है। देखो आ रही होगी, पक्षी उड़ रहे बहुत सारे सुबह का माहौल। अभी सूर्य देव निकले नहीं है, वो देखो निकले नहीं है अभी तक, अभी तक छुपे ही है, निकलने वाले है बस थोड़ी देर में। ये देखो शैतान को वापस रोने लग गया नीचे रखते ही, मिला शैतान बच्चा, देखो कितना शैतान है। इधर देख, इधर इधर देख, नीचे रखते रोने लग गया, देखो कितना ड्रामेबाज है। और देखो सराय ड्रामेबाज कितने है, देख लो ड्रामेबाज को। हमारे अंगूर की बेल के अंगूर तो आपको रोज ही दिखाते हैं, लेकिन अंगूर पक गए आपको दिखाते कैसे वाले अंगूर पके। हमने बहुत सारे गुच्छे तोड़े हैं अंगूर के, काले काले और रेड कलर के। काले अंगूर आते हैं इसके, वो नहीं आते, दूसरे काले वाले आते हैं जिसके अंदर बीज निकलते हैं बड़े बड़े, दे आपको दिखाऊं। तोड़ने के बाद जो गुच्छे बचे हैं, कच्चे बचे हैं, वो मोटे मोटे हो रहे, पक जाएंगे एक दो दिन में, वो भी पक जाएंगे। हाँ देख किधर गए गुच्छे, किधर गए, ये देखो ये पकड़ा, एक तो पकड़ा इसके अंदर, और ये देखो ये पकने वाला है, ये गुच्छा है देखो, ये भी पक जाएगा दो एक दिन में। बहुत सारे पक रहे थे इसमें, ये देखो दिख रहा होगा आपको, रेड हो रहा है अभी तो, फिर ब्लैक हो जाएगा, काले अंगूरे है ना चिकनू। ये देखो छोटे छोटे हरे पहले इस तरह से आते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, हरे होते हैं, फिर लाल होते हैं, फिर ब्लैक हो जाते हैं। ये देखो अभी भी बहुत सारे गुच्छे आ रहे हैं, देखो पकने वाले हैं इसमें भी, इस वाले गुच्छे में भी रेड रेड हो रहे हैं, देखो पक जाएंगे एक दो दिन में। तो चलिए आपको दिखाते हैं जिसके से अंगूर तोड़ के लेके गए थे कि कैसे पके। ये देखो हमारा रचका राजक हो गया, से पानी भरा रहे, और वो देखो गेहूं का खेत पड़ाव कर रहे हैं उसमें। चले नीचे, ऊपर क्या देख रहा है बता, प्रियांश के कपड़े तो मैंने धो के सुखा दिए, देखो और प्रियांश के कपड़े धोते, लाइट चली गई, मैं भी नहाने वाली थी, अब लाइट नहीं आ रही। बाथरूम तो है हमारे, लेकिन हम उसमें नहीं नहाते, यहाँ बाहर जब बोर्ड लगा रखी है तो बाथरूम में क्यों नहाना, बाहर ही नहाओ बड़े खुले पानी से आराम से। अब लाइट ही नहीं आ रही, ओ लाइट आ गई देखो, आ गई ना, किस्मत अच्छी है भाई।
आ गई लाइट, नहा लेते हैं हम भी। पानी रजके में जा रहा है, रजका भर आ रहे है, इसीलिए देखो हरा जब होगा। तो बने रहो लोग के साथ। तो मेरा भी नहाना धोना हो चुका है, मैं भी नहा ली हूँ। नहाते वक्त लाइट चली गई थी लेकिन फिर से आ गई। अब जा रही हूँ, किट्टू रो रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। ये देखो हम ऊपर से नीचे आए, तब तक तो इन्होंने पूरे अंगूर खा ले, इतने से छोड़े, पक्के पक्के खा ले, कच्चे कच्चे छोड़े। किट्टू तूने भी खाए क्या अंगूर? अपन तो ऊपर थे ना। किट्टू इतनी सी देर में रोने लग गया। हाँ किट्टूड़ा गोदी आएगा, आजा 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 आजा। मम्मी देख दादा दादी की नई फोटो जन स्पेशल वाली। ये देखो वे किट्टू के दादा दादी। किट्टू की बुआ के सीख लग गई है। तो अभी बन रही है सब्जी गोभी की, देखो इस पे दूध। अब ये राबड़ी, दूध राबड़ी खाऊंगी मैं तो भाई आज। खाना वाना तो हम खा चुके हैं, बहुत देर हो गई, अब रात भी हो गई है। देखो बिल्कुल भी आज गांव में किसी की बर्थडे पार्टी है तो हम खावा जा रही होगी। किट्टू के पापा तो जिम नहीं गए थे, जिम क्या भी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में बताया है कि मेरा गांव कौन सा है, मैं किस गांव से हूँ, किस ज़िले में है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा गांव कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मेरा पियर बूंदी ज़िले में है, बूंदी ज़िले के नैनवा तहसील के एक छोटे सा गाँव है, वहाँ है मेरा पियर। देखो माता जी के झमाझम और ये लाइटों की। किट्टू सो गया, सब घर वाले सो गए, सबको नींद भी आ गई। तो खाना वाना तुम खा चुके, अब गर्मी में दूध गर्म किट्टू के पापा के लिए। चलते हैं अंदर, गेट बंद कर देती हूँ, ये बिल्ली आती है रात को। देखो एक दूध गरम, वैसे रोज रोज नहीं पीते, शाम के टाइम जब उनका मन होता है तभी पीते हो दूध, वैसे तो नहीं पीते। बहुत ही छोटा गांव है मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा गांव है। मैंने अपनी पढ़ाई भी गांव में, तो स्कूल है नहीं है मगर पास भी तक है, तो मैंने अपने पास जो हमारे पास में जो शहर पड़ता है वहाँ से की थी। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ कहाँ से की है, अगली वीडियो में आएगा वो। इस वीडियो में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा पीहर मतलब कि मेरा गांव बूंदी ज़िले में एक छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। वाह वाह की हूँ मैं, यहाँ तो मेरा ससुराल है। वीडियो के चक्कर में कहीं दूध ना फन जाए, देखो नहीं फना अभी तो गर्म ही हो रहा है।
आज बाजरे की रोटी नहीं बनाई थी, गेहूं की बनाई थी और गोभी की सब्जी और राबड़ी भी बनाई थी। राजस्थान का खाना स्पेशल राबड़ी। मैंने रोटी भी खाई थी और राबड़ी भी खाई थी, थोड़ी थोड़ी खाई थी, ज्यादा नहीं। होने वाला है मेरा दूध भी गर्म, अब थोड़ी ही देर मेरा दूध गर्म हो जाएगा, फिर मैं किट्टू के पापा को ले जाके बोल दूंगी पी लो दूध गर्म हो गया। तैयार है स्पेशल हल्दी वाला दूध, तैयार हो चुका है रेडी। ये देखो तैयार है स्पेशल हल्दी वाला दूध। दूध ये देखो मोबाइल देखने में लगे हुए थे किट्टू के पापा। मेरा गांव है बूंदी जिले में, गंभीरी गांव है मेरा, छोटा सा गांव है।